Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 2, Spread of Christianity. Student, the chapter name, chapter title is itself revealing what we will read in this chapter. Okay, obviously spread of Christianity and how Christianity become world main religion. So student, in gadget section we'll discuss about one of the earliest church named Dura Europos. Dura Europos situated in Syria. Basically, some scholar believe that it was a house that was converted into a worship place. देखो scholars का believe है कि जो Dura Europos था ये पहले घर रहा होगा जिसको gradually धीरे से हमने काय में convert कर दिया होगा worship place में. और ये church बहुत ज़्यादा famous क्यों है, क्योंकि ये earliest depiction दिखाता है Jesus Christ की. अब depiction में कोई sculpture, कोई painting, कोई frescoes आ सकता है, तो early depictions को दिखाता है Dura Europos चर्च, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट, सीरिया में. अब बेटा ये चर्च तो नहीं है, उसके रिमेन्स अवेलेबल हैं. देख पा रहे हो, चर्च नहीं है, अब उसके रिमेन्स अवेलेबल हैं कहाँ पर, सीरिया में. सो स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट द मिडवल पीरियड, द मेजर डेवलपमेंट इन मिडवल पीरियड वॉज द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होना मिडवल पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. क्रिश्चियनिटी क्या है स्टूडेंट्स, एक रिलीजियस फेथ है जो बेस करता है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. आप सबको पता है कि बाइबल होली बुक है क्रिश्चियंस की. इसके टू पार्ट होते हैं, एक होता है ओल्ड टेस्टामेंट, एक होता है न्यू टेस्टामेंट. क्या इतनी बात क्लियर है? वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ मेजर डेवलपमेंट ऑफ मिडवल पीरियड इज द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी. Christianity was a religious faith based on life and teachings of Jesus Christ. Bible is the holy book. It is in two part, Old Testament and New Testament. First paragraph में कोई problem नहीं होना चाहिए. Second paragraph में आते हैं. As we have already discussed in lesson 1, chapter 1, that Christianity did not fade away with the crucifixion of Jesus. In chapter 1 we have discussed the birth of Jesus Christ, crucifixion of Jesus Christ. So the student, the thing is that Christianity did not fade away with the crucifixion of Jesus. After Jesus' death, his teachings were spread by his followers, notably Saint John and Saint Paul. दो सेंट, एक सेंट जॉन, दूसरे सेंट पॉल, इन्होंने जिम्मेदारी ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की. जो सेंट पॉल थे स्टूडेंट, सेंट पॉल प्लेड एन एक्टिव रोल in spreading Christianity in Roman Empire. Saint Paul was very active in spreading Christianity in Roman Empire. He was the first person to encourage non-Jews to become Christian. Student, whoever Jew people were there, they are ready to accept Christianity because they were very afraid of Roman Empire. They were not liking Roman Empire. That is why they are ready to accept Christianity. But the major contribution of Saint Paul is that he made non-Jew people to convert into Christianity. ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्रूसीफिकेशन के बाद भी, जीसस के क्रूसीफिकेशन के बाद भी क्रिश्चियनिटी फेड नहीं हुई. उनके टीचिंग को स्प्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सेंट जॉन और सेंट पॉल ने. सेंट पॉल का एक एक्टिव रोल था रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में. सेंट पॉल ही वो थे जिन्होंने नॉन ज्यू को भी क्या बना दिया, क्रिश्चियन. ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीवेयर इन रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी नॉट वेलकम्ड होल हार्टेडली. ठीक है, रोमन एम्पायर में हर जगह क्रिश्चियनिटी को होल हार्टेडली वेलकम नहीं किया जा रहा था. ठीक है, जो रूलर्स थे वो बहुत गुस्सा कर रहे थे क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड को. रेथ मतलब होता है गुस्सा करना. ठीक है, वो लोग इसके खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए कि क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड क्यों हो रहा है. अच्छा, बेसिक रीज़न इसके पीछे जो था वो ये था कि स्टूडेंट्स, जो रोमन एम्पायर है वहाँ पर, जैसे हमारे इंडियन कल्चर में हम बहुत सारे गॉड्स को प्रे करते हैं, बहुत सारे गॉड्स की पूजा करते हैं, भले वो विष्णु जी हों, शंकर जी हों, या श्री राम हो, श्री कृष्ण हो. वैसे ही रोमन एम्पायर में भी बहुत सारे गॉड होते हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो बेसिकली सिर्फ जीसस क्राइस्ट को मानते थे. रोमन गॉड्स को वो रिफ्यूज़ कर देते थे उनके वर्शिप को. इसीलिए जो नीरो थे या डेक्लोशियन थे, उन्होंने क्रिश्चियंस को रिबेल्स की तरह देखा बिकॉज दे रिफ्यूज टू वर्शिप रोमन गॉड. थाउजेंड्स वर अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड, मेनी वर किल्ड. बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को किल कर दिया गया. बाय हुम? नीरो एंड डेक्लोशियन.
अच्छा इनकी एक ही प्रॉब्लम थी क्योंकि ये अपने रिलीजन को लव करते थे और जो क्रिश्चियनिटी थी उसका अपना कल्चर अपना ट्रेडिशन था, ये रोमन गॉड को वर्शिप नहीं करते थे, तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम थी। इसलिए क्रिश्चियनिटी को हर जगह होल हार्टेडली वेलकम नहीं किया गया। इस पैराग्राफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, अब क्रिश्चियंस के अच्छे दिन आ गए जब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आए। कौन आए स्टूडेंट? जब एम्परर कॉन्स्टेंटाइन आए तो क्रिश्चियंस के भी अच्छे दिन आ गए। अराउंड 4th century CE में, 4th century कॉमन एरा, जो परसिक्यूशंस था क्रिश्चियन के ऊपर, जितने भी क्या हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, वो सब खत्म हो गए। द परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस एंडेड इन अराउंड 4th century CE व्हेन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन बिकम द फर्स्ट रोमन रूलर टू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी। स्टूडेंट, रोमन रूलर्स में से एक थे कॉन्स्टेंटाइन, जिन्होंने एम्ब्रेस किया, अडॉप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी को। तो अब क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन हो जाएगा बंद। ही टुक सेवरल स्टेप टू हेल्प स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए स्टूडेंट, किस लिए लिए? क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होगी। जो क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियंस का जो परसिक्यूशन था वो 4th century CE के बाद से बंद हो गया। क्यों? क्योंकि एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। उसने बहुत सारी स्टेप्स ली किसको स्प्रेड करने की, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की। ठीक है, सम रिफॉर्म्स बाय कॉन्स्टेंटाइन, ही ग्रेंटेड क्रिश्चियंस द फ्रीडम टू वर्शिप। उन्होंने क्रिश्चियन को वर्शिप की फ्रीडम दे दी। He gave important jobs to Christian. Christians को important job देना start किया। He declared Sunday as a holiday so that people could attend church. Sunday को holiday बना दिया और आज तक वही हम follow करते आ रहे हैं। Sunday को holiday बनाने का सिर्फ एक ही purpose था, so that Christians can attend church. He also built many churches. उसने बहुत सारे चर्च भी बना दिए। Student, this is the image of whom? Constantine, जिन्होंने Christianity को embrace किया था, क्या लीगलाइज कर दिया क्रिश्चियनिटी को रोम में। शिफ्ट ऑफ कैपिटल इन 330 CE एम्परर कॉन्स्टेंटाइन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम रोम टू द एंशिएंट सिटी ऑफ बाइजेंटियम। ठीक है, सो व्हाई ही हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम Rome to Byzantium, because he thought that Roman Empire had become too big, too long, and it is quite difficult to administer it efficiently. इतना बड़ा हो गया है Roman Empire, तो उसको ऐसे लगता था कि इसको administration efficiently करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपनी capital shift की। The new capital was named Constantinople. जो नई capital थी उसका नाम क्या रख दिया आप? कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको मॉडर्न डे में हम इस्तानबुल भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर कैपिटल शिफ्ट की? कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको मॉडर्न डे में इस्तानबुल भी बोलते हैं। इट बिकम अ मेजर कमर्शियल सेंटर, धीरे धीरे ये एक मेजर कमर्शियल सेंटर बन गया। कॉन्स्टेंटिनोपल वुड लेटर बिकम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, और बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल क्या बन गया स्टूडेंट? ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल। क्या इतनी बातें समझ में आई? रोम टू बाइजेंटियम बिकॉज ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने ये कैपिटल शिफ्ट किया। कॉन्स्टेंटिनोपल नाम रख दिया कैपिटल सिटी का, जिसको हम मॉडर्न डे में इस्तांबुल बोलते हैं। ये धीरे धीरे कमर्शियल सेंटर बना, फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल ही बन गया कॉन्स्टेंटिनोपल, विच वुड बी नोन एज बाइजेंटाइन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज बाइजेंटाइन एम्पायर। इफ समबडी आस्क यू वॉट इज बाइजेंटाइन एम्पायर, सो से ईस्टर्न रोमन एम्पायर इज कॉल्ड बाइजेंटाइन एम्पायर, एंड कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर वॉज कॉन्स्टेंटिनोपल। करंट नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इंस्तानबुल। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 391 CE कॉमन एरा 391 एक काम और हुआ। वो काम था, एक कॉन्स्टेंटाइन का सक्सेसर था जिसका नाम था एम्परर
Theodosius, Emperor Theodosius, successor of Constantine. क्या किया इन्होंने? Made Christianity the official religion of Roman Empire. Theodosius, one of the Constantine's successor, made Christianity is the official religion of Roman Empire. समझ में आया? तो एक important role Constantine का था, जिन्होंने embrace किया Christianity को. Second है Theodosius, जिन्होंने Roman Empire का official religion ही किसको बना दिया? Christianity को. Students, medieval Europe. So there were some changes in medieval Europe. Some events were there. First event, the decline of ancient Roman Empire. Ancient Roman Empire का decline होने लग गया. Feudalism का rise होने लग गया. ठीक है, rise of feudalism, decline of ancient Roman Empire. Student, feudalism एक important term है, तो इसका explanation हम अभी देखेंगे. क्या था फ्यूडलिज्म? अ सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड बाय अ लॉर्ड टू अ वैसल इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी. लॉयल्टी और प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा दे देना, यही क्या होता है फ्यूडलिज्म. स्टूडेंट्स, हिंदी में फ्यूडलिज्म को सामंतवाद बोलते हैं. अगर आपने महाराणा प्रताप सीरियल देखा होगा तो उसमें सामंती प्रथा को बहुत अच्छे से दिखाया है. तो एंशिएंट रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, फ्यूडलिज्म का राइज होने लगा. फ्यूडलिज्म में क्या होता था, एक लॉर्ड जो अपने सब्जेक्ट्स थे उनको लैंड ग्रांट्स देने लगता था. ठीक है, द राइज ऑफ चर्च एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. और इसी टाइम में क्या हुआ, चर्च एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन के आए. इस्लाम का भी राइज होने लग गया. किसका राइज होने लग गया स्टूडेंट्स? इस्लाम का भी राइज होने लग गया, जिसको आप लेसन थ्री में पढ़ेंगे. ठीक है, राइज ऑफ इस्लाम में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट, डिक्लाइन ऑफ एंशिएंट रोमन एम्पायर. सेकेंड, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म. थर्ड, चर्च बिकेम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. फोर्थ, राइज ऑफ इस्लाम. Then crusades and so on. उसके बाद क्या हुए, crusade. Crusade को हम क्या भी बोल सकते हैं, in short धर्म युद्ध. जब religious के basis, religion के लिए आप दोनों लड़ाई करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, crusades. ठीक है, decline of ancient Roman Empire. Around 200 CE, the Roman Empire began to decline. 200 CE के टाइम से ये Roman Empire decline करने लग गया. decline करना मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया. There were many causes for decline. और बहुत सारे reason थे Roman Empire के decline के, ख़त्म होने के, नीचे की तरफ आने के. First था corrupt ruler. बहुत सारे Roman Empire के ruler corrupt थे. Civil wars बहुत ज़्यादा होते थे. जब लोग satisfy नहीं होंगे किसी ruler से तो वो gradually अपनी demands को लेके क्या करते रहे, civil war करते रहे. In fighting among soldiers, soldiers भी अपने आप पे ही लड़ रहे थे. बट जो चीफ कॉज था रोमन एम्पायर के डिक्लाइन का, वो था जर्मैनिक ट्राइब्स. ठीक है, क्या था बच्चा, जर्मैनिक ट्राइब्स. तो कौन सी वो जर्मैनिक ट्राइब थी स्टूडेंट्स जो डिक्लाइन का कारण बनी रोमन एम्पायर की? वो थी विसिगोथ्स, ऑस्ट्रोगोथ, वेंडाल, फ्रैंक्स. विसिगोथ, ऑस्ट्रोगोथ, वेंडाल, फ्रैंक्स. The Romans called them barbarians. Romans उन्हें क्या बोलते थे, barbarians. ठीक है, Visigoth, Ostrogoth, Vandal, Franks ये German tribe थी जिन्होंने attack किया, जो कि Roman Empire के decline का कारण बना. Romans इनको barbarians कहते थे. They plundered the treasure, killed and enslaved many Romans and destroyed many building. क्या किया Ostrogoth, Visigoth, Vandal, Frank ने? इन्होंने plunder का मतलब होता है लूटना, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, खजाना लूट लिया, लोगों को किल किया, लोगों को एनस्लेव कर लिया, बहुत सारे रोमन्स को मतलब अपना क्या बना लिया, दास बना लिया. एनस्लेव करना मतलब दास बना लेना, और बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. फाइनल ब्लो कब आया स्टूडेंट? फाइनल ब्लो आया 476 CE में. फाइनल ब्लो कब आया 476 CE में, जब एक बारबेरियन चीफ ओडोएसर ने अपने आप को इटली का किंग बना लिया और फोर्स किया रोमन एम्परर को कि वो गिव अप कर दे अपने क्राउन को. ठीक है, ऑडोएसर बारबेरियन चीफ था जिन्होंने 476 में अपने आप को इटली का किंग बनाया. किंग बनाने के बाद
ही से ही बहुत सारे हिस्टोरियंस इसी पॉइंट को ट्रिगरिंग पॉइंट बोलते हैं जहाँ पर रोमन एम्पायर का एंड हो गया। बाय अराउंड 500 सी द बारबेरियन हैड कार्व्ड आउट देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड सेटल डाउन। 500 सी तक तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए बारबेरियंस ने। बारबेरियंस के अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? ऑस्ट्रोगेथ है ना, फ्रैंक्स, और कौन से थे? ऑस्ट्रोगोथ, फ्रैंक्स, विशिगोथ्स, वेंडाल, ये सब लोगों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना ली और सेटल हो गए। लार्जेस्ट बारबेरियन किंगडम वॉज क्रिएटेड बाय फ्रैंक्स। जो सबसे बड़ा बारबेरियन किंगडम बनाया वो किसने बनाया? फ्रैंक्स ने बनाया, ठीक है। नाउ विल रीड अबाउट इम्पैक्ट ऑफ बारबेरियन इन्वेजन। बारबेरियन इन्वेजन के क्या इम्पैक्ट हुए? इन्वेजन से रोमन रूलर्स की अथॉरिटी वीक हो गई, वो इन्वेडर्स को चैलेंज करने में, प्रॉपर कॉम्पिटिशन देने में अनसक्सेसफुल हुए, फेल हो गए, ठीक है। इन्वेजन से रोमन एम्पायर्स की, रोमन रूलर्स की जो अथॉरिटी थी वो वीक हुई, वो इन्वेडर्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। ट्रेड डिक्लाइन हुआ ड्यू टू वॉयलेंट पॉलिटिकल कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं हो गई तो ट्रेड तो स्टेबल रह ही नहीं सकता, तो ट्रेड डिक्लाइन हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट था, वो था राइज एंड स्प्रेड ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ दिस इन्वेजन वॉज द राइज एंड स्प्रेड ऑफ फ्यूडलिज्म विच लास्टेड इन वेरियस फॉर्म्स अक्रॉस यूरोप फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। जो फ्यूडलिज्म ने यहाँ से तेज स्पीड पकड़ी वो बहुत टाइम बाद ख़त्म हुई, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म का राइज भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था बारबेरियन इन्वेजन का। स्टूडेंट आउट ऑफ वेरियस फ्रैंकिंग शार्लेमेन यूनाइटेड मच ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द अर्ली मिडवल पीरियड। अर्ली मिडवल पीरियड में शार्लेमेन ने बहुत बड़े यूरोप के पार्ट को क्या कर लिया था स्टूडेंट्स? यूनाइट कर लिया था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस पिरामिड को देखो तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें थी वो सर्फ के पास थी, पर इनके पास राइट नहीं था, ठीक है, लैंड राइट्स नहीं थे। दे आर डूइंग कल्टिवेशन और एनी अदर वर्क ऑन द लैंड, बट दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द किंग, ठीक है। दे आर नॉट हैविंग एनी राइट्स ऑन द लैंड। देन सेकेंड पे आते हैं नाइट्स। नाइट्स वो होते थे जो नॉबल्स के लिए फाइट करते थे, द आई फाइट फॉर नॉबल्स, नॉबल के लिए फाइट करते थे, और नॉबल इन्हें पीस ऑफ लैंड प्रोवाइड करते थे इन रिटर्न टू मिलिट्री सर्विसेज। नाइट का काम था मिलिट्री सर्विसेज देना, किसको देना? नॉवल को देना। इन रिटर्न नॉवल इन्हें लैंड राइट से देते थे, ठीक है, लैंड ग्रांट से देते थे। अब नॉवल्स का क्या काम था? द किंग हैज़ गिवन मी लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड, राजा ने मुझे बहुत सारी ज़मीनें दे रखी हैं, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी साइड से लड़ूंगा, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं उन्हें नाइट सप्लाई करूँगा। और किंग क्या बोल रहा है स्टूडेंट? आई ओ ऑल द लैंड। किंग क्या बोल रहा है? मेरे पास ये सारी जो कंट्री की ज़मीनें हैं ये मेरी अपनी है। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का राइज कैसे हुआ स्टूडेंट? जब रोमन एम्पायर का फॉल हो गया 5th सेंचुरी में, तो बहुत ही कम किंग ऐसे थे यूरोप में हु कुड अफोर्ड टू मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी। ओके, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर द कंडीशन वॉज लाइक दैट, वेरी फ्यू यूरोपियन किंग्स वर देयर हु कैन मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी। सो वॉट दे स्टार्टेड ग्रंटिंग अ पोर्शन ऑफ लैंड, गिविंग और ग्रांटिंग अ पोर्शन ऑफ लैंड टू द नॉबल्स और एनी ऑफ द पीपल हु कैन प्रोटेक्ट देम, हु कैन प्रोवाइड देम आर्मी। बेटा फ्यूडलिज्म का राइज कैसे हुआ कि जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो बहुत कम लोग बचे यूरोप में जो अपनी आर्मी मेंटेन करते थे, तो उन्होंने धीरे से एक सिस्टम अडॉप्ट किया कि जिससे क्या हो कि वो एक ज़मीन का बहुत सारा टुकड़ा किसी नॉबल, किसी भी व्यक्ति को दे देते और इन रिटर्न उससे चाहते कि वो आर्मी को मेंटेन करे और हमें टाइम टू टाइम प्रोटेक्शन दे, ठीक है। किंग बिकम द लॉर्ड एंड द नॉबल बिकम द वर्सल्स, ठीक है। किंग क्या बन गए? लॉर्ड बन गए, नॉवल्स बन गए वासल्स। सो स्टूडेंट, इफ क्वेश्चन विल कम लाइक व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ फ्यूडल लॉर्ड, सो व्हाट विल यू राइट? दे आर गोइंग टू प्रोवाइड आर्मी टू द किंग एंड फाइटिंग फॉर द साइड ऑफ द किंग, ठीक है। किंग के साइड से लड़ेंगे, किंग को आर्मी प्रोवाइड करेंगे। अगर क्वेश्चन फ्लिप हुआ, क्वेश्चन ये आया राइट डाउन द ड्यूटीज ऑफ द वैसल, सेम ड्यूटी यू हैव टू राइट। वैसल्स आर द पर्सन हु गॉट लैंड ग्रांट्स इन रिटर्न, दे हैव टू प्रोटेक्ट द किंग, प्रोवाइड देम
आर्मी, ठीक है, किंग को आर्मी प्रोवाइड करना, किंग को प्रोटेक्ट करना। वासल्स का जॉब होता था रिटर्न में उन्हें बहुत सारी ज़मीनें मिलती थी। अब नॉबल्स क्या करते थे उस ज़मीन का, नॉबल्स और वासल्स उस ज़मीन को नाइट्स को दे देते थे। नाइट्स इन रिटर्न फॉर फाइटिंग अ बैटल, नाइट्स को बोलते थे तुम हमारे लिए बैटल लड़ना, हम तुम्हें ज़मीन ही देंगे। नॉबल थस बिकम लॉर्ड्स ऑफ द नाइट, अब जो नाइट होते थे उनके लॉर्ड कौन बन गए, नॉबल्स, वासल्स बन गए। जो पीजेंट्स थे, द पीजेंट फार्म ऑन द लैंड ऑफ द नाइट, और जो पीजेंट्स जो किसान होते थे वो फार्मिंग नाइट्स की लैंड पे करते थे, और इन रिटर्न उन्हें क्या मिलती थी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमी अटैक। नॉबल्स को प्रोटेक्शन मिल गई, किसानों को ज़मीनें मिल गई जिसके ऊपर वो फार्मिंग कर सकते थे। द सर्व ऑक्यूपाइज द लोएस्ट रंग, लोएस्ट रंग में आते थे सर्व, सर्व का मतलब होता है दास, सर्वडम दासत्व, ठीक है, दास जिनको खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर आप कोई सर्वेंट रखते हो तो उसको आपको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, पर दासों को एक बार में बाय, सर्व एक बार में बाय और सेल किया जा सकता है, ठीक है। तो पीजेंट्स की तरह लाइफ नहीं थी सर्व्स की, सर्व्स होते थे बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। पीजेंट्स की तो अपनी लाइफ होती थी, जितना उनको काम करना होता था वो करते थे, ठीक है, पर स्टूडेंट सर्व्स की लाइफ ऐसी नहीं होती थी। सर्व्स बॉन्डेड लेबर हुआ करते थे जिनकी लाइफ बहुत मिजरेबल हुआ करती थी, बिकॉज दे वर बॉट एंड सोल्ड, इनको खरीदा और बेचा जाता था, इनको खाना उतना ही दिया जाता था जिससे ये काम करते रहे, इन्हें कपड़े उतने ही दिए जाते थे जितना ज़रूरी है। दिस सिस्टम फॉर ग्रांटिंग लैंड ऑन कंडीशन ऑफ सर्विस वॉज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। तो वट एवर सिस्टम वॉज देयर दैट वी वर कॉल्ड फ्यूडलिज्म। In simple term is when you are granting land on condition to give service is known as feudalism. जितना बड़ा भारी भरकम वर्ड feudalism ने पढ़ा उसका सिंपल सा मतलब है कि जब आप किसी को ज़मीनें दे रहे हैं और उससे कुछ सर्विसेज ले रहे हैं तो ये क्या है, feudalism, the system of granting land on condition of service was called feudalism. Now Byzantine Empire. द बाइजेंटाइन एम्पायर अबाउट 395 CE में क्या हुआ स्टूडेंट, रोमन एम्पायर स्प्लिट कर गया, स्प्लिट करना मतलब टूट जाना, एक बड़े पार्ट का दो तीन पार्टों में टूट जाना, स्प्लिट, ठीक है, रोमन एम्पायर स्प्लिट हुआ, कितने पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, टू, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये दो स्प्लिट थे किसकी, रोमन एम्पायर की। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेपिटेटिव बारबेरियन इन्वेजन हो रहे थे, अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, तो क्योंकि बारबेरियन कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे, इन्वेड करते जा रहे थे, इस वजह से वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। ये वही लोग हैं विसिगोथ्स, फ्रैंक्स, ठीक है। The Eastern Roman Empire known as Byzantine survived for another 1000 years. Student, Western Roman Empire तो decline कर गया, पर जो Eastern Roman Empire है जिसका ही दूसरा नाम Byzantine Empire है वो आने वाले 1000 साल और survive कर गया। इसकी capital थी Constantinople, हमने पढ़ लिया है। Constantinople Eastern Roman Empire की Byzantine Empire की capital थी। स्टूडेंट वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड द सर्वाइवल ऑफ Byzantine Empire फॉर मोर देन 1000 ईयर। सो फर्स्ट वॉज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ Byzantine Empire। Byzantine Empire का लोकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक था, वो ट्रेड रूट को एक्सप्लॉयट कर सकता था, भले वो ट्रेड रूट एशिया के हों या यूरोप के हों। अंडर एबल रूलर लाइक सच एज Justinian I, द Byzantine Empire बिकम वन ऑफ द वेल्दीएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। स्टूडेंट Byzantine Empire के पास एक एडवांटेज था कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन थे, वो ट्रेड रूट को एक्सप्लॉयट करता था एशिया के भी और यूरोप के भी, पर इसके साथ साथ वहाँ पर एक बहुत एबल रूलर आए जिसका नाम था Justinian I, जिनके रेन में बहुत ही वेल्दी बना Byzantine Empire। जो Justinian I थे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए Byzantine Empire में, वो था न्यू सिस्टम ऑफ लॉज, ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू सिस्टम ऑफ लॉज, ही ऑल्सो बिल्ट मिनी चर्चेस, चर्च भी बनाए। हागिया सोफिया
हैगिया सोफिया जो बहुत फेमस चर्च है, हैगिया सोफिया आगिया सोफिया, ये चर्च बनाने का काम जस्टिनियन वन ने ही किया था, ठीक है, और न्यू सिस्टम ऑफ लॉज बनाए और इनके रीन में बाइजेंटाइन एम्पायर बहुत ज़्यादा रिच एम्पायर बन गया. सो स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन. स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट सम इम्प्रूवमेंट इन द वीडियो डू राइट इन कॉमेंट सेक्शन. And please keep sending PDFs.